इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीवो के मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट करने पर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल में किसी दूसरे के ब्लूटूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके मोबाइल में उसका ब्लूटूथ डिवाइस नेम शो हो रहा है लेकिन कनेक्ट करने पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, या आपके मोबाइल में जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके डिवाइस नेम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीवो के मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या डिवाइस नेम शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आना है। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा या ऐप मैनेजर मिलेगा, तो आपको अपने मोबाइल के ऐप्स या ऐप मैनेजर को ढूंढना है। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आने के बाद ऐप मैनेजर है, तो आप अपने मोबाइल के ऐप मैनेजर को या ऐप्स को ढूंढ लीजिए और आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप में आने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो मोर है, जो थ्री डॉट है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको शो सिस्टम पर क्लिक करना है। शो सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ को ढूंढ लेना है। अगर आपके मोबाइल में ऊपर सर्च बार है तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ को ढूंढ लेना है और आपको ब्लूटूथ पर क्लिक करना है। ब्लूटूथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे मिलेगा, तो आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। इतना कर देने के बाद आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को कनेक्ट करके देख लीजिए, उसके बाद आपके मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट होने लगा है।